एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जितने भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे और आप इजीली अच्छी अच्छी बातें जानते रहेंगे। आज का मेरा वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ना तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सीरीज है, ना वो क्लास 6 है, ना वो क्लास 8 है, ना वो क्लास 7 है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ ऑल अबाउट प्री स्कूलर्स और 3+ एज ग्रुप के बच्चों के लिए। अब आप सोचेंगे मैम को आज क्या हो गया, मैम इतने छोटे बचपन में कैसे पहुंच गई। अरे आफ्टर ऑल मैम के पास 18K सब्सक्राइबर्स हैं, तो हर सब्सक्राइबर की अलग क्वेरी होती है। तो मेरे पास कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं, 18,000 में से कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनकी कुछ क्वेरी है प्री स्कूलर्स। और मैं एक बात आपको फिर बता देती हूँ, आप लोग को पता होगा बहुत से लोगों को मेरी रील्स या मेरे वीडियोस के थ्रू कि आई एम ऑल्सो मदर ऑफ टू, आई एम ऑल्सो हैविंग अ 3+ चाइल्ड, सो एंड आई एम ऑल्सो अ टीचर, सो आई कैन ईजिली गाइड यू विथ सम टिप्स। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आज एक छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी क्वेरी आई थी। आई तो बहुत सारी क्वेरी है, तो मैंने सोचा है एक सीरीज बना ले प्री स्कूलर्स वाली भी, क्यों ना हो जाए एक प्री स्कूलर्स की और 3+ एज की सीरीज बना लेते हैं। उसमें सारी क्वेरीज को मैम वन बाय वन सॉल्व करेंगी वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज की जो क्वेरी है वो ये है कि मैम मेरा बच्चा जो है वो लिखता नहीं है। स्कूल में भी आपको ये टीचर से रिमार्क मिलता होगा, प्लीज़ इसकी राइटिंग करवाइए, राइटिंग प्रैक्टिस कराइए, राइटिंग प्रैक्टिस। पर आप कहते हैं मैम ये तो लिखता ही नहीं है, पता नहीं स्कूल में कैसे लिख सकता है, लिख लेता है, कैसे काम करता है, मैम ये नहीं लिखता है, बिल्कुल मारते भी हैं तब भी नहीं लिखता है। पहली बात, मारना इज नॉट अ सॉल्यूशन। मारने से तो बात और बिगड़ जाएगी। क्या बिगड़ जाएगी, बच्चे का मन उस चीज से हट जाएगा, बच्चे को लगेगा अरे पढ़ाई के टाइम पे हमारी पिटाई होती है, तो ही विल थिंक कि पढ़ाई एक बहुत ही बेकार चीज है, इस टाइम पे मेरी पिटाई होती है। इस चीज को आप अवॉइड कीजिए, मारना नहीं है, बच्चे को प्यार से टैकल करना है, बच्चे को फन लर्निंग करवाइए पहले स्टार्टिंग में, उसका मन लगाइए लर्निंग में, ठीक है। जब मन लग जाएगा देन ही और शी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। सबसे पहले तो अगर वो नहीं पेंसिल होल्ड कर रहा है, नहीं उसका मन लग रहा है लिखने में, आप क्या कीजिए, सिंपल थोड़ा आपका काम बढ़ेगा, थोड़ी गंदगी होगी लेकिन आपके बच्चे को बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मदर्स प्लीज ये मत सोचिएगा कि मेरा काम बढ़ रहा है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी बेटी भी लिखना नहीं पसंद करती थी, शी इज लेफ्टी, उसको भी ग्रिपिंग में बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कलरिंग बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, कलरिंग ठीक, बच्चा कलर कर रहा है करने दीजिए। फिर एक दिन मैंने क्या किया, कलर से मैं अपने आप ए बनाने लगी, तो मैंने कहा अरे वाह इतना अच्छा ए बन गया। वो तुरंत भाग के आई, देखने लगी अच्छा मम्मी ने ए बना लिया, उसने तुरंत कलर से ए टी बना दिया उसने, मतलब उसका माइंड देखिए, उसको ये पता था कि कलर से वो इजिली बी नहीं बना पाएगी, उसने तुरंत ए के बाद क्या बनाया, टी बनाया। शी मेड, शी पुट वन कलर एंड शी मेड आई, शी टोल्ड मम्मा दिस इज आई, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे को पता है बट वो लिख नहीं रहा है। देन आई स्टार्टेड अनदर टेक्निक, मैंने क्या किया, मैं एक दिन आटा मार रही थी, ठीक है, मैंने एक प्लेट में आटा स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, आटा स्प्रिंकल कर दिया। फिर मैंने उस पर कहा सिद्धि मम्मा ने ए ठीक बनाया है, पर मैंने ठीक नहीं बनाया था, मैंने उसकी लाइन्स ऐसे ऐसे गलत गलत बना दी थी। तो मेरा बेटा बोला हाँ मम्मा आपने ठीक बनाया है। देन शी सडनली सेड मम्मा ये गलत है, आपने गलत बनाया है। शी करेक्टेड मी, उसने बिल्कुल ठीक ए बना लिया। आई वॉज ऑन 7th moon कि मेरे बच्चे को आता है, ठीक है, मुझे लगा मेरे बच्चे को आता है बट शी डज नॉट वॉन्ट टू होल्ड द पेंसिल, ठीक है। मैं उसको देखी धीरे धीरे उस चीज पे लेके आई, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो बुक थी उसमें बड़ा सा ए बना था, आई ब्रॉट द बुक,
बुक्स मैं लाई थी पर वो उसमें बड़ा सा ए बना था, ऑब्जेक्ट्स बने थे एप्पल एंड एरोप्लेन, ठीक है वो बना था। मैंने क्या किया है, वो जो हमारी छोटी छोटी कार्स नहीं आती है, हर बच्चे के पास होगी छोटी सी कार होती है, पुश बैक कार, पुश किया आगे दौड़ गई, मैंने वो कार ली, ए पे मैं ट्रेस करती चले गई, ए के उस पे ट्रेस करती रही, ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब वो मतलब उसको नहीं बुलाया मैंने, क्योंकि आई वॉज नोइंग कि अगर मैं बुलाऊंगी वो नहीं करेगी, शी वॉज वेरी स्टबर्न, नहीं बुलाया, मैं करने लगी। मेरे बेटे ने इस चीज में बहुत साथ दिया, ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम, ठीक है। उसे भी लगा कि उसकी बहन नहीं कर रही है, और जब उसकी डांट पड़ती थी तो ही वॉज वेरी मतलब अपसेट कि अब क्या करें मम्मा। तो हम लोगों ने कुछ किया कि मैं खेलती थी, वो भी करने लग जाता था, देन ऑटोमेटिकली शी यूज टू कम, शी यूज टू ट्रेस कार, उसने सारे अल्फाबेट्स पे चला दी। उसके दिमाग में बच्चा जो करता है, जो सुनता है, वो उसके दिमाग में बहुत जल्दी फिट होता है। आपने ये देखा होगा जब बच्चा आपका मोबाइल देखता है, डोरेमोन की आवाज कितनी जल्दी कॉपी करता है, डोरेमोन, नोबिता, गैजेट, ये सब उसको सब पता होता है। मोटू पतलू की जोड़ी सबको पता है, निंजा हथौड़ी का डिंग 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 सबको पता है, वो मोबाइल के डायलॉग्स खुद बोलने लगते हैं। तो अब जब बच्चा कुछ खुद से परफॉर्म कर रहा है, सारे लेटर्स पे ट्रेस कर रहा है कार के थ्रू, पेंसिल नहीं चला रहा, लीव इट, कार के थ्रू ट्रेस कर रहा है, क्या हो रहा है, उसकी मेमोरी में सारे लेटर्स जा रहे हैं कि ए पे कार ऐसे चली फिर ऐसे हो गई, ठीक है, बी पे ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। उसे ये पता था कि इस एरो के अलोंग मुझे चलना है, जो लेटर्स की बुक थी उसमें एरो भी था स्पेसिफाइड, ठीक है, कि ऐसे मुझे ये कर्व ले जाना है, सब उसकी मेमोरी में आ गया। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वन डे आई वॉज इन अ पार्क विद हर, ठीक है, मैंने उसको मिट्टी में वो नहीं बुलाया, वो झूला स्विंग कर रही थी, स्विंग के आगे थोड़ा मिट्टी थी, मैं खुद बैठ गई, मैंने उंगली से वहां पर लिखना शुरू कर दिया अल्फाबेट्स, मैंने कहा समर्थ देखो मैं अपना नाम लिख रही हूँ, पल्लवी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब पल्लवी में से उसने तुरंत बताया मम्मा दिस इज ए, ठीक है, मम्मा दिस इज ए, दिस इज पी, दिस इज एल, देखिए अभी बच्चा लिख नहीं रहा है, बस उसको पता है अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज हो गए हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम उसने भी लिखना, मेरे सेम लेटर्स उसने कॉपी कर दिए वहां पर सैंड पे, सैंड, डो, मैंने आपको क्या क्या बताया पहले, कलर से, सैंड से, डो से, कार से, आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, बच्चा स्कूल में कैसे कर ले जाता है, देयर इज फन लर्निंग, बच्चा सारे बच्चों को देख के कार चलाता है, सैंड पे करता है, चौक डस्टर से करता है, आपको भी सेम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं ग्रिपिंग पे आई, ग्रिपिंग कैसे हुई हमारी बताइए, ग्रिपिंग कैसे हुई होगी, सबसे पहले पेंसिल मैंने नहीं पकड़ाई, आई टुक द कलर्स विच शी यूज टू ग्रिप फ्रॉम द टॉप, उसको कलर ऐसे दिए जो वो टॉप से ग्रिप करती थी, वेट आई विल शो यू, सी आई ब्रॉट दीज टाइप्स ऑफ कलर, ये कलर थे, ये उसने ऐसे होल्ड करना स्टार्ट किया, इससे देखिए करेक्ट पोस्चर आ रहा है, ग्रिपिंग आ रही है, उसने ऐसे होल्ड करना स्टार्ट किया, और मैंने जो अल्फाबेट्स बना रखे थे उसने उस पर पूरा प्रॉपर ट्रेस किया, दिस आई फॉलोड फॉर 7 to 10 days प्रॉपर, वो उसको उसकी ग्रिप देखी, इसमें पेंसिल में क्या होता है बहुत पतली होती है, बच्चा सही से तुरंत ग्रिप नहीं कर पाता है, इसमें देखिए कितना मतलब थिक है ये पार्ट, इजिली ग्रिप हो रही है, ठीक है, आप खुद करके देखिए, उसकी ग्रिप फॉर्म हो गई 10 days में, उसकी ग्रिप वॉज शी यूज टू डू लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, फटाफट वो ट्रेस कर देती थी, बड़ा बड़ा लिखिए एक कॉपी बना लीजिए, बड़ा बड़ा लिखिए और ट्रेस करवाते रहिए, कलर्स से करवाइए, पहले ये ऐसे कलर्स ले आइए, बहुत इजीली बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, किसी भी कंपनी के ले लीजिए, ठीक है, कैमल, फेबर कैस्टल, कुछ भी ले सकते हैं आप। नाउ फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे आई यूज टू गिव हर
पेंसिल, ठीक, पेंसिल ले ली, एक व्हाइट बोर्ड भी आता है जिसपे लेटर्स बने होते हैं ए बी डॉट 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 के थ्रू, और मार्कर होता है, वो बच्चा बहुत फन वे में कर लेता है उसको मार्कर, उसको पेंसिल से लिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, वो मार्कर मिलता है उसमें डस्टर भी होता है, वो बहुत वो भी ला सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी ग्रिप इन सब चीज़ों पर बन जाए, देन गिव पेंसिल, यू विल सी मिरेकल, बच्चा करेगा, ठीक है। बट यू मस्ट हैव पेशेंस, यू हैव टू गिव टाइम, डोंट बीट, डोंट स्कोल्ड, एंड प्लीज डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी अदर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज, ठीक है। हमारे खुद के हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सो हाउ एवरी चाइल्ड कैन बी इक्वल इन हिज और हर वेज, ठीक है। तो यू मस्ट नॉट कंपेयर विद एनी वन। और ये तो आज हमारी लिखने की बात हुई, हमारा स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस करें, बच्चे को बोलना कैसे सिखाएं, और भी बहुत सारे, खाना नहीं खाता मेरा बच्चा, इन सब की भी कुछ टिप्स आपको मिलती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड विद माय सीरीज, बाय, हैप्पी लर्निंग।